वेलकम टू संकट टेक टॉक गाइस। आज हमारे साथ हैं जैकी जैकी श्राफ। ये जैकी श्राफ बॉलीवुड से नहीं है, सिक्योरिटी इंजीनियर हैं और मैंने इनके साथ काफ़ी काम किया है, काफ़ी अच्छी नॉलेज है इनको, तो वेलकम करते हैं। हाय जैकी। हेलो शंकर जी, कैसे हो आप? हाँ आई एम गुड थैंक यू, आप कैसे हैं? अच्छा चल रहा है। तो अभी आप कौन सी कंपनी में हो? तो अभी मैं हूँ जयपुर बेस्ड कंपनी में माइटी 11। अगर आपने देखा होगा तो वीरेंद्र सहवाग हमारे ब्रांड एम्बेसडर है और उसके बारे में शिखर धवन है और हमारा फैंटेसी स्पोर्ट्स का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लाइक आपने ड्रीम इलेवन देखा होगा, ड्रीम इलेवन सुना होगा, वैसे ही माई टीम भी एक है। ये जयपुर बेस्ड है और फैंटेसी स्पोर्ट्स के अंदर है, एक हमारा खुद का एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ओके, तो हाल फिलहाल आप स्टार्टअप में हो, राइट? हाँ। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपनी प्रोफाइल के बारे में दीजिए प्लीज़, जिससे लोग आपको रिलेट कर पाएँ अपनी प्रोफाइल्स को और समझ पाएँ आप क्या करते हो। हाँ, तो मतलब मेरा ये साइबर सिक्योरिटी जो करियर था ना, वो मतलब अर्लियर 2012 में स्टार्ट हो गया था। 2012 में जिससे मैंने मास्टर किया कंप्यूटर साइंस में, देन उसके बाद में मेरा जो लगाव था वो पुलिस वालों के साथ काफ़ी जुड़ गया था और मैं इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था कि साइबर क्राइम्स वगैरह क्या होते हैं, केसेस कैसे होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। देन उसके बाद तक मैंने फ्रीलांसिंग काम किया और एजेंसीज, काफ़ी सारी एजेंसीज थी राजस्थान, राजस्थान के बाहर अलग अलग जो सिटीज़ थे उनकी पुलिस के साथ मैंने वर्क किया रिलेटेड टू कि साइबर क्राइम ट्रेनिंग के ऊपर। जगह जगह मैंने साइबर क्राइम ट्रेनिंग दी, उनको अवेयर कराया कि किस तरीके से साइबर क्राइम हो सकते हैं, कैसे उससे हम बच सकते हैं एक्सेट्रा। देन उसके बाद में जयपुर बेस्ड कुछ एजेंसी के साथ मैंने कंटिन्यूसली वर्क किया 2-3 साल तक कि कोई भी एक्यूज है या किसी तरह का एक्यूज है उनको कैसे ट्रेस कर सकते हैं उसके ऑनलाइन प्रेजेंस के ऊपर ये। देन 17th में मेरी शादी हुई। देन थोड़ा सा ये जो मेरा फ्रीलांसिंग था बड़ा हेक्टिक हो गया था एंड शादी के बाद फिर आपको एक फिक्स शेड्यूल अपने फैमिली के साथ भी शिफ्ट करना होता है। देन आई स्विच टू कॉर्पोरेट एंड स्टार्टिंग में मैंने जयपुर बेस्ड एक कंपनी है सुब्रानिया, अभी उनका नाम चेंज हो गया है फॉर मीडियम। सुब्रानिया के साथ मैंने ज्वाइन किया, वो अकाउंटिंग फर्म थी, बेसिकली वो आउटसाइड ऑफ इंडिया अकाउंट्स करते थे बड़ी बड़ी कंपनीज के इनके। तो उनका एक खुद का प्रोडक्ट था इन हाउस जिसमें उनके क्लाइंट उनकी रिपोर्ट्स को देख सकते थे या किसी तरह का उनका इनपुट था वो दे सकते थे। उस सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी मैं देख रहा था तो फिर मैंने वहाँ पर कॉर्पोरेट में स्विच कर दिया एंड आफ्टर 6 to 12 months मैंने 2019 में माई टीम 11 ज्वाइन कर ली एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर और अभी मैं सिक्योरिटी मैनेजर हूँ माई टीम 11 में। इट्स अराउंड 4 years देयर और 2 लोगों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, मेरी टीम है उसमें 2 लोग। गुड गुड, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है आपको ऑलरेडी। जैसे सर मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ बेसिक जो जो मोस्टली जो हमारे पॉडकास्ट को जो लोग देखते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस भी होते हैं, राइट? पर जो रेशो है वो स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा है इसके अंदर। अगर कोई कैंडिडेट आपकी प्रोफाइल पे आना चाहे तो अभी तो रिसेंटली आप मैनेजर हो तो नॉट ऑन मैनेजर प्रोफाइल बट इन साइबर सिक्योरिटी में आना चाहे, सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहे, तो उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और उसको कॉलेज टाइम में ही किस चीज़ की प्रिपरेशन करते रहना चाहिए पैरेलल एजुकेशन, पैरेलल जो कॉलेज एजुकेशन होती है उसके साथ? ओके, सो थोड़ा जी यहाँ पे 2 चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती है। एक तरह के स्टूडेंट का ध्यान होता है कि मुझे एज सून एज पॉसिबल अर्निंग करनी है पर एक कैटेगरी हो गया कि यार मुझे इस प्रोफाइल पे जाना है, तो दोनों अलग अलग च्वाइस होती है। अगर मैं बात करूँ साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही तो मैं ये बोलूँगा कि अगर कॉलेज में आप स्टूडेंट हो तो आप स्टार्टिंग करो लैंग्वेज से। अगर आपको स्क्रिप्टिंग अच्छे से आती है तो साइबर सिक्योरिटी में डाइव करना काफ़ी इजी है। अगर आप प्रोग्रामिंग को छोड़ देते हो लेकिन सिर्फ साइबर सिक्योरिटी की बात करते हो तो आज के टाइम में बहुत टफ है, बिकॉज आपको डेफिनेटली इंटरव्यू देना है अगर ज्वाइन करना है तो। इंटरव्यू में अगेन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, वो बेसिकली अगर आप किसी भी जेडी को देखोगे तो जेडी में आता है कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में आप एक्सपीरियंस दो, एटलीस्ट बिगिनर तो होने ही चाहिए। क्योंकि कंपनीज को ये नहीं चाहिए कि उसने काम कितना किया, वो ये भी जानना चाहते हैं
कि काम कितना जल्दी कर सकते हैं। जल्दी मतलब यहाँ पे बात आ जाती है ऑटोमेशन की, और जब ऑटोमेशन की बात करते हैं तो अगेन प्रोग्रामिंग इज इम्पोर्टेंट की। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई टास्क है जो मैं बार बार रिपीटली करता हूँ, लाइक आज एक नया फीचर लॉन्च होने वाला है मुझे उस पर टेस्ट करना है, आज ये लॉन्च होने वाला है मुझे इस पर टेस्ट करना है, अगर मैं मैनुअली उसमें 2-3 दिन लगाता हूँ तो वो एक वर्थ नहीं है। तो ज़्यादा बच्चा कंपनी क्या सजेस्ट करती है कि यार आप इसका ऑटोमेशन कर दो, लाइक 60% केसेज या 70% केसेज आप इसको ऑटोमेट कर दो, जो आप रिपीटली कर रहे हो आप उसको मैनुअल मत करो और उसको एक पाइपलाइन के साथ ऐड कर दो कि जैसे यहाँ पे कोई चीज़ रिलीज होगी वो टेस्टिंग में भी टेस्ट होगा, प्रोडक्शन में भी ऑटोमेटिकली टेस्ट होगा, देन जो मैनुअल टास्क है आप उसी पे फोकस रहो, एंड अपार्ट फ्रॉम बाकी चीज़ें आप नई चीज़ें स्किल्स लर्न करो, नए आप सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऐड कर दो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि प्रोग्रामिंग एक चीज़ है इम्पोर्टेंट, एंड प्रोग्रामिंग आपको सीखनी चाहिए, और स्टार्टिंग आप कर सकते हो पाइथन से। पाइथन के अंदर आप सिक्योरिटी कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या सिक्योरिटी टेस्ट केसेस कैसे कर सकते हो, सिक्योरिटी ऑटोमेशन कैसे कर सकते हो, ये सब्जेक्ट हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हो। तो वो आपका लर्निंग और वो दोनों हो जाएंगे कि मुझे सिक्योरिटी में भी जाना है तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ, आप सीखो पाइथन बिकॉज ऑफ आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड को इम्प्लीमेंट करना है या उसको डेवलप करना है, तो आपका माइंडसेट वही रहेगा कि मैं सिक्योरिटी में ही हूँ, बट पाइथन आपके हैंड्स ऑन हो जाएगी। पाइथन हो गया, अदरवाइज सेकंड लैंग्वेज अगर आप जेएस से फैमिली है तो नोड जेएस इज बेस्ट, दोनों अपने अपने जगह अच्छे हैं। ओके, तो इस तरह कोई भी स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन कर सकता है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग बनने के लिए। तो थोड़ा सा अब बैक साइड चलते हैं आपकी एजुकेशन की तरफ, आपने एजुकेशन में क्या किया हुआ है? ओके, तो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था पहले, और कॉमर्स के अंदर मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन जो किया है वो कॉमर्स में किया है, देन उसके बाद मेरा इंटरेस्ट था कि मैं एक बार कंप्यूटर्स भी देखूँ, तो मैंने स्विच कर लिया डायरेक्ट मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर। ओके, एंड एमएससी किया आपने मतलब? हाँ। तो आपका इंटरेस्ट साइबर सिक्योरिटी में कैसे आया, सिक्योरिटी इंजीनियर की तरफ कैसे आपका इंटरेस्ट बना? तो इसमें सिचुएशन ऐसी होती थी कि लाइक इंटरनेट आज सस्ता था, पहले बहुत महंगा था, राइट? क्लियर। एंड स्टार्टिंग में जो इंटरनेट चलते थे ना डायल अप कनेक्शन से चलते थे, डायल अप से मतलब कि एक टेलीफोन लाइन होती थी आप उसको मॉडेम में कनेक्ट करो, तो मॉडेम में जैसे आप कनेक्ट करोगे तो उसके बाद में आपको एक नंबर डायल करना होता था, जैसे डायल हो जाता था आपका बिलिंग इधर चालू हो जाता था बट आपके पास इंटरनेट कनेक्शन आ जाता था, और हार्डली स्पीड जो होती थी स्टार्टिंग में बहुत पहले मुश्किल से 15 या 20 KBPS होती थी। हाँ, तो अब आपके मन में वहाँ से चीटिंग करना आ जाता है कि यार मेरे को ये फ्री कैसे मिले। तो अगर आप टेलीफोन लाइन की बात करते हो तो उससे सबसे बढ़िया सोल्यूशन क्या है कि कहीं से वायर जा रहा हो उस वायर को आप काटो, एक साइड में 2 वायर होते हैं, इधर से ये वायर लिए इधर से वायर लिए और अपने टेलीफोन लाइन के साथ उसको ऐड कर दो लगा लो, ठीक है? तो ये स्टार्टिंग से था कि मुझे नेट चाहिए, तो रिक्वायरमेंट थी कि नेट चाहिए पर पैसा नहीं देना। ओके, तो वो इस तरीके से चालू हुआ, फिर उसके बाद में एयरटेल आया और उसने अपना मोबाइल से डायल अप कनेक्शन बनाना स्टार्ट किया, तो वो एक तरह से रेगुलेशन था कि आप 110 KB पर KBPS की स्पीड थी वो, और हार्डली हमारे पास 50 से 60 आती थी बट लोग उस टाइम भी बोलते थे अरे यार बहुत स्पीड थी, अगर आप गर्दन घुमा के चीज़ें करोगे तो आपको गूगल खुला हुआ मिलेगा इन जस्ट 50 KB पर सेकेंड। तो वो मोबाइल टेक्नोलॉजी थी, तो इंटरेस्ट आया कि यार इसमें कुछ हो सकता है क्या, चलो नेट की ओर करते हैं। नेट चलाने के लिए हम नेट की तरफ ही गए, गूगल से पूछा क्या हो सकता है, तो कुछ ट्रिक्स मिली, प्रॉक्सी से हमने उस टाइम समझ लिया कि प्रॉक्सी कुछ होता है, पोर्ट होता है, आईपी होता है, तो वो एक माइंडसेट डेवलप हो गया, क्योंकि हम जब आर्टिकल्स पढ़ते हैं ना तो 50-60% ऐसा होता है जो गार्बेज है एट दैट टाइम कि आपको चाहिए क्या बट आप पढ़ क्या रहे हो, लेकिन जब आपने पढ़ लिया तो आपका एनवायरनमेंट चेंज उन्होंने कर दिया। इस तरीके से मैं सिक्योरिटी में डाइव हुआ, फिर बायोलॉग एक बार मैं जूस पी रहा था तो वहाँ पे किसी का मैंने पैम्पलेट देखा जूस वाले शॉप पे, एंड उसमें एक कोर्स था कि आप ये कोर्स कर लो, अच्छा कोर्स उसने डिजाइन किया था, इसमें मतलब वो एक हैकिंग वाला वर्ड स्पिंग कर दिया कि यार अरे वाह हैकिंग हो सकता है, अकाउंट स्विचिंग उसके जो मॉड्यूल्स थे, फिर हमने उससे टच किया एंड उनसे हमने 2-3 महीने का कोर्स ले भी लिया,
जयपुर में ही, हम्म, देन मैं इस चीज़ में डाइव हो गया। फिर मुझे लगा कि यार मुझे इसमें और भी कोर्स करना चाहिए, और भी स्टडी करनी चाहिए। देन मैं मूविंग करता गया करता गया, फिर क्लाउड टेक्नोलॉजी आ गई, फिर मैंने क्लाउड सीखा। क्या इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो एक सिक्योरिटी इंजीनियर को, अगर इस प्रोफाइल पे आना चाहे कोई कैंडिडेट, तो उसके पास होनी चाहिए? ओके, तो फर्स्ट तो बेसिकली मैं कंफर्म हूँ कि प्रोग्रामिंग आपको स्क्रिप्टिंग नॉलेज का, स्क्रिप्टिंग तो अच्छे से आती हो। मैं इन्हें बोला कि आप DSA में जाओ या कुछ, इतनी हार्ड प्रोग्रामिंग फिलहाल रिक्वायर्ड नहीं है, बट स्क्रिप्टिंग कि आप अपना काम ऑटोमेट कर सको, आप उसके वेरिएबल लूप इनके हैंड दोनों अच्छे से, ठीक है, मॉड्यूल से पहली तो चीज़ हो गई प्रोग्रामिंग। सेकेंड, डेफिनेटली आपको बेसिक इम्पोर्टेंट है जो आपको एजुकेशन में मिलते हैं, लाइक हमने स्टडी में देखा है प्रोटोकॉल्स वगैरह क्या होते हैं, तो प्रोटोकॉल्स का नॉलेज होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल यार HTTP एंड HTTPS, ये प्रोटोकॉल है। FTP, FTPS, कोई सिस्टम में अगर हैकर आता है ना, तो वो किसी न किसी प्रोटोकॉल या पोर्ट से ही अंदर आएगा, और जब डेटा लेके जाएगा तो अगेन वो किसी पोर्ट या प्रोटोकॉल से ही सेंड करेगा, या तो अपने सर्वर को कनेक्ट करेगा। तो इनबाउंड कनेक्शन, आउटबाउंड कनेक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है इंटरनेट, इसका नॉलेज होना चाहिए। बाकी तो लेटेस्ट ट्रेंड जो भी चल रहे हैं आप उस पे जाओ। बग बाउंटी का एक्सपीरियंस अगर आपको है तो वेल एंड गुड, अगर आप बग बाउंटी करते हो। बग बाउंटी में अगर आपने बग, आज कितना कंपटीशन है बग बाउंटी में, अगर आपको बग मिलती है तो डेफिनेटली आपने हार्डवर्क किया है उसके पीछे, ये क्लियर है। तो आप स्टार्टिंग करेक्ट, बग बाउंटी कर सकते हो विद इन द कॉलेज टाइम। अगर आप कॉलेज टाइम में हो, आपने पढ़ लिया, आप सिक्योरिटी फील्ड में हो, तो आप डायरेक्टली बग बाउंटी कर सकते हो। तो आपको ऐसा नहीं कि 9 to 5 वाली जॉब के ऊपर जाना ही पड़ेगा, आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम द सेकेंड डे। कि अगर आपको कुछ आ गया तो आपको इश्यू मिलता है, आप कंपनीज को रिपोर्ट करो। कुछ प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि मैं शेयर कर रहा हूँ, HackerOne.com है, तो आप बग बाउंटिंग जो उसमें आप अपना आज ट्राई मार सकते हो, क्योंकि तो अभी कंपटीशन इतना हाई है। अगर आपने वहाँ पे बग साइंड कर ली तो दैट मीन्स कि आपने अच्छे से स्टडी की है एंड अच्छे से आप हार्ड वर्कर हो। अगर आपको बग मिल गई और आपने उसे रिपोर्ट किया, तो आपको अच्छा सा हैंडसम पे आउट भी मिलेगा। कुछ प्लेटफॉर्म है जैसे कि HackerOne.com, Bugscout.com, ये छोटे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बग रिपोर्ट कर सकते हो, और अगर बग वैलिड है और एलिजिबल है और बाउंटी, फिर आपको अच्छा हैंडसम अमाउंट डॉलर्स के अंदर, US डॉलर्स के अंदर आपको मिलेगा। तो एक आप जैसा आपने एक एग्जांपल दिया हैकिंग वाला, आपने कोई टेम्पलेट देखा था, तो उससे मुझे क्वेश्चन याद आता है। बेसिकली लोग क्या करते हैं, हैकिंग को, साइबर सिक्योरिटी को और सिक्योरिटी इंजीनियर को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, राइट? जो कि एक ह्यूमन टेंडेंसी है। तो आप उसको प्लीज़ वन लाइन में डिफ्रेंशिएट कीजिए कि सिक्योरिटी इंजीनियर कितना डिफरेंस है और हैकिंग एक जो पार्ट है वो कितना डिफरेंस है। ओके, तो ब्लैक एंड ब्लैक हैट और वाइट हैट मैं सीधा सा बात करूँगा कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो वो ब्लैक हैट वर्क हो गए, और बेसिकली उसके बाद जो वर्ड है ना वो हैकिंग जो ऐड हो जाता है। तो अगर आप हैकिंग कर रहे हो दैट मीन्स कि यार ये ब्लैक हैट वाला काम है, बट सिक्योरिटी इंजीनियर दैट मीन्स यू आर रेस्पॉन्सिबल एंड यू आर अलाउड टू सिक्योर समथिंग। तो बीइंग अ सिक्योरिटी इंजीनियर इज बेटर फॉर बीइंग अ हैकर। लेकिन हैकिंग में भी कुछ लोग कहते हैं एथिकल हैकिंग होता है, कुछ हैकिंग कुछ और होता है, क्या है ये? ओके, सो अगेन लाइक हैकिंग बदनाम है बहुत ज्यादा। लाइक हैकिंग एक वर्ड था सिंपल, अगर मैं बात करूँ आप हैकिंग कर रहे हो बट परमिशन, अगर आपको परमिशन है कि आप मेरे प्रोडक्ट को टेस्ट करो, हैक करो, तो आप हैकिंग बेसिकली कर रहे हो, बट यू आर अलाउड, दैट दैट मीन्स इट इज एथिकल हैकिंग, एथिकल। बट अगर आपके पास परमिशन नहीं है दैट मीन्स दिस इज द हैकिंग। तो हैकिंग एक वर्ड है, उसका मतलब एक्चुअल में था किसी चीज़ को ब्रेक करना, बट उसके साथ जब परमिशन का इशू आया तो उसको एथिकल हैकिंग एक वर्ड दे दिया। तो एथिकल हैकिंग और सिक्योरिटी इंजीनियर बोथ आर द सेम। इन बोथ केस यू ट्राई और टेस्ट टू ब्रेक अ थिंग। ओके ओके थैंक्स।
ठीक है, तो अभी एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर क्या मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस हैं आपकी फील्ड में? ओके सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक कोई नया बंदा सिक्योरिटी इंजीनियर है या नया सिक्योरिटी में आया है, तो मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग ऐसे लगता है कि उनको बेसिक नॉलेज फिलहाल नहीं है कि चीज़ें वर्क कैसे करती है। वो आएंगे सीधा, ठीक है ये एपीआई है, लेट्स अटैक, मैं उस पर ये अटैक कर सकता हूँ, बट थिंक कि यार ये एपीआई बनी कैसे होगी, ठीक है इसमें क्या यूज़ किया होगा, कि अगर लेट्स से कि ये पाइथन के किसी जेंगो फ्रेमवर्क से बनी हुई है, तो क्या तुमने जेंगो पढ़ा? आई मीन कि उस चीज से रिलेटेड जो चीज जिस पर बनी हुई है उस पे रिसर्च नहीं होती या उस पे रिसर्च नहीं करते, इवन बेसिक नॉलेज भी उनको नहीं होता कि कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, कुछ चीज़ें इस तरीके से वर्क करती है, प्रोक्सीज क्या होता है, उनको प्रोक्सी का आइडिया नहीं। आज जो लेटेस्ट कोई बंदे अगर सिक्योरिटी इंजीनियर, तो प्रोक्सी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है सिक्योरिटी में, इवन कंप्यूटर लाइन में, तो प्रोक्सी का समझाना उनको पड़ता है कि प्रोक्सी का मतलब इस तरीके से होता है, लाइक हमारा मीडिएटर होता है। बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि जो हमको कंप्यूटर स्टडी में पढ़ाया जाता है बेसिकली इस चीज़ें कैसे वर्क करती है, अगर उनका नॉलेज है तो गुड है। तो अभी एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर, एज ए सिक्योरिटी मैनेजर, आपको क्या लगता है कि एक फ्रेशर कैंडिडेट को किन स्किल्स के साथ होना चाहिए और उसको कितना आइडिया होना चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में? ओके सो लाइक अगर मैं किसी से इंटरव्यू लेता हूँ, सिंपल भाषा में बात करूँ कि अगर मैं किसी से इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले देखूँगा कि उसको प्रोग्रामिंग कितनी आती है। सेकंड मैं उससे बात करूँगा प्रोटोकॉल्स के बारे में, कि बेसिक्स बताओ मुझे, HTTPS क्या होता है, HTTP क्या होता है, इस तरीके से। अगर HTTPS है तो HTTPS में कौन कैसे बात करेगा, लाइक सर्वर और क्लाइंट हर जगह होते हैं, तो सर्वर क्लाइंट कैसे बात करेगी, ये मेरा सेकेंड होगा। थर्ड मैं पर्टिकुलर किसी अटैक के बारे में पूछूंगा, तो ओवेस्ट टॉप 10 एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने एक ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, आप अगर उस पर जाते हो तो वो एवरी ईयर आपको एक क्लासिफिकेशन देते हैं कि टॉप 10 इश्यूज क्या हैं, 4 2017, 4 2019, हर साल तो नहीं बट 2-3 साल में वो चेंजेस होते रहते हैं, लाइक ये वाला अटैक ऊपर आ गया, ये वाला अटैक नीचे चला गया, मोस्ट उनके क्रिटिकलिटी के हिसाब से, उनके एक्सप्लोइट के हिसाब से, या उनका एरिया कितना वाइड है उसके हिसाब से वो कैटेगरी करते हैं। तो ओवेस टॉप 10 से रिलेटेड में क्वेश्चन करूँगा, तो की स्किल्स में ओवेस टॉप 10 जितने भी अटैक्स हैं आप उनपे हैंड्स ऑन करो, प्रोग्रामिंग बेसिक वाला हैंड्स ऑन कर लो। थर्ड बेसिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इनके ऊपर वर्क कर लो, दैट्स फेयर इनफ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ये एक फोर्थ टॉपिक है जिस पर अगर आप करते हो तो आई वुड से कि डेफिनेटली आपका प्रेशर वाला इंटरव्यू ब्रेक होगा, क्रैक होगा, और आप अच्छे से वर्क कर पाओगे स्टार्टिंग डेज में। ओके तो एक फ्रेशर कैंडिडेट को अपने सीवी में किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए और की स्किल्स में क्या ऐड करना चाहिए? ओके। सीवी के अंदर लाइक सबसे पहले उनको बताना चाहिए सिक्योरिटी से रिलेटेड सबसे टॉप के ऊपर, तो आप उसमें बताओ कि मैं ओवेस्ट टॉप 10 अटैक पे हैंड्स ऑन हूँ। अगर प्रेशर हो तो दैट मीन्स कि आपने जॉब नहीं किया है, तो आप वर्किंग एक्सपीरियंस तो नहीं बता सकते कि मैंने लाइक इस कंपनी में इस वाले काम पे काम किया है। आप सबसे पहले बताओगे यस आई एम हैंड्स ऑन विद द ओवेस्ट टॉप 10 अटैक। ओके सेकंड आप बोल सकते हो कि सेकंड आपका स्किल हो गया कि दीज स्क्रिप्ट आई क्रिएटेड, तो आप बोल सकते हो कि मैंने स्क्रिप्ट बनाया हुआ है फॉर ऑटोमेशन ऑफ द सिक्योरिटी, ठीक है। थर्ड आप बग बाउंटी जाओ, दो तरह के प्लेटफॉर्म, दो तरह के वहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं, एक जो आपको पैसा देते हैं, एक जिसमें आप बग ढूंढते हो लेकिन पैसा नहीं मिलता, बट वहाँ पे कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि सबको सबसे प्रायोरिटी उनको रिवॉर्ड की रहती है। थर्ड
बट अगर आप उनको जाते हो बग साइन करते हो आपको उसके लिए बग मिलेगा। जब आप उनको रिपोर्ट करोगे तो आप अपने CV में लिख सकते हो यस आई एम इन द होल ऑफ फेम ऑफ देयर प्रोग्राम, ठीक है मैंने वहाँ पर इश्यूज आए थे। तो लेट से अपने 5 से 10 होल ऑफ फेम निकाल लेते हो तो आपके उसमें डाल सकते हो रिवॉर्ड्स के अंदर। ओके, ये आपने बहुत ही अच्छी डिटेल शेयर की है कैंडिडेट्स के साथ, तो काफ़ी हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए जो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में आना चाहें। पेनिट्रेशन टेस्टिंग और सिक्योरिटी इंजीनियरिंग राइट सेम ही है राइट? यस एक्चुअली मैं लाइक टू फॉर एग्जांपल डेवलपर की हम बात करें तो डेवलपर के पास भी काफ़ी सारे रोल्स होते हैं, कोई API डेवलप करते हैं, कोई फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं, बट प्रोफाइल डेवलपर तो सिक्योरिटी इंजीनियर वन गाय हू नीड्स टू सिक्योर द थिंग्स। बट अगर अंदर आपको पर्टिकुलर किसी वेब एप्लीकेशन को ब्रेक करना है, टेस्ट करना है, तो काइंड ऑफ पेन टेस्ट वर्क ज़्यादा हो गया। बट अगर आपको ईमेल सिक्योरिटी पे फोकस करना है या इंटरनेट सिक्योरिटी पे, देन वो आप नेटवर्क एंड सिक्योरिटी वाला प्रोफाइल हो गया। तो सिक्योरिटी इंजीनियर बहुत आर द सिक्योरिटी इंजीनियर, बट अंदर का एक रोल हो गया कि यार आपका दायित्व क्या है। राइट तो थैंक यू सो मच, आपने इसको भी क्लियर कर दिया। तो अभी लोग क्या कंफ्यूज आते हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर हो गया उधर, पेनिट्रेशन टेस्टिंग इधर सेपरेट हो गई, फिर उधर हैकिंग और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग क्वेश्चंस लेके आते हैं, तो उनको इस पॉडकास्ट से पूरी नॉलेज मिल जाएगी किसमें क्या डिफरेंस है और कौन से क्या है रोल और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक एडवाइस जो आप फ्रेशर कैंडिडेट को देना चाहते हैं जो भी कॉलेज स्टूडेंट है। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, बार बार प्रोग्रामिंग बोल रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा प्रोग्रामिंग हो जाएगा। नहीं प्रोग्रामिंग के अलावा देना इस बार। हाँ मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने यार 4-5 बंदों को लगाया है, उनको ये बोला मुझे पाइथन लग गया टिकटॉक से, तो मैं बोल रहा हूँ वो कर तो बाकी मैं संभाल लूँगा। तो ये आप ये बोल सकते हो कि बेसिक टेस्टिंग की स्किल्स आनी चाहिए उसको, एक कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बाकी चीज़ तो हो ही जाती है डे बाई डे। ओके अगर मैं फ्रेशर को कोई एडवाइस देता हूँ तो मैं डेफिनेटली जाऊँगा कि आप ओवेस फ्रेमवर्क के साथ एक बार जाओ, ओवेस पे देखो कि टॉप 10 इश्यूज क्या है। लाइक फर्स्ट उसमें दिया हुआ है A1 इंजेक्शन, तो A1 इंजेक्शन क्या है वो उसमें अलग अलग कैटेगरीज है कि कमांड इंजेक्शन है, स्किल इंजेक्शन, ये क्या है, एंड पे हैंड्स ऑन करो। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि फर्स्ट डे पे आप बग बाउंटी पे चले जाओ और किसी प्रोग्राम में जाके हैकिंग या सिक्योरिटी चालू कर दो टेस्टिंग करनी। हाँ मार्केट में अगर आप देखते हो तो वहाँ पे मैं आपको कुछ लिंक शेयर करूँगा, ठीक है, तो उसके अंदर वो ऐसे प्रोग्राम्स है जो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे बनाए हैं जिसमें इश्यूज जानबूझ के रखे गए हैं, ठीक है। तो आप ऑलवेज लर्न कर रहे हो और उसके बग्स को वहाँ पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है, वो वल्नरेबल एप्लीकेशन है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप फर्स्ट वहाँ पे ट्राई करो। बिकॉज आप कहीं जाते हो और आपको कुछ नहीं मिलता किसी प्रोग्राम में, अब आप आज जाते हो फेसबुक को टेस्टिंग करते हो और आपको इशू नहीं मिलता तो वो एक तरह से डिमोलाइज काइंड हो गया। तो ज़्यादा अच्छा है ऐसे प्रोग्राम पे जाओ जो जानबूझ के ऐसे बनाए हैं कि आप आओ और हमको टेस्ट करो, ये वाला इशू फाइंड आउट करो, ये इशूज़ हैं। अगर आप कहीं अटक रहे हो तो आपको नेट पर रिसोर्स मिल जाएंगे, यूट्यूब पर मिल जाएंगे कि इस लेवल को मुझे कैसे पार करना है या कैसे उसको पास करना है। तो वल्नरेबल एप्लीकेशन होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, वहाँ पे जाओ, SQL इंजेक्शन से रिलेटेड वल्नरेबल वो है मशीन, XSS से रिलेटेड है, A1 कमांड इंजेक्शन से रिलेटेड है, इन तरीके से, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड उस पर जाओ, हैंड्स ऑन करो, OWASP से आपने टॉप 10 लर्निंग कर ली तो आपको मजा आएगा कि यार हाँ मैंने ये बग फाइंड किया। वो प्रोग्राम कोई भी है बट आपको आउटकम मिलेगा, जब आउटकम मिलता है ना तो आपका झुकाव ज़्यादा होता है किसी चीज़ में, इंटरेस्ट बनता है। करेक्ट, ठीक है गाइस, तो जो भी सर मुझे लिंक शेयर करेंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इजीली। ठीक है, बाकी चीज़ें क्या है कि फिर अपने आप हो जाती है। लाइक अगर आपने एक बार
पाथ ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद में चीजें अपने आप चली जाती है, लाइक सेकंड स्टेप मुझे बताने की या किसी और को बताने की नहीं है, आपको पता है कि आपको क्या टाइम आना है, आपको क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज देखनी है। ठीक है, तो जैसा कि अभी मार्केट में काफ़ी AI का बूम है, चैट GPT, बार्ड और बहुत सारे टूल और बहुत सारी वेबसाइट्स जो सिर्फ .AI एक्सटेंशन यूज़ करती हैं और अपने आप को AI कहलाने का नाम दे रही हैं, राइट? तो ये काफ़ी चल रहा है बूम, ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स है आज के। AI सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी हेल्प कर सकता है इन फ्यूचर? फ्रेंकली बहुत ज़्यादा। अगर मुझे किसी चीज़ का कोड करना होता था, किसी तरह का ऑटोमेशन का, तो जहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम लगता था कि मुझे कुछ एक चीज़ें एक रिक्वायरमेंट होती थी और वो काफ़ी टाइम टेकिंग होती थी, बट लाइक चैट GPT की मैं बात करूँ तो चैट GPT को मैंने सिंपल सा बोला कि यार मुझे ऐसा कुछ चाहिए, तो वो पर्टिकुलर उस पॉइंट को ला के सामने रख देता है। अगर उसमें इशू है तो हम उसको बोलते कि नहीं यार ये ऐसा वर्क नहीं कर रहा, मुझे इसमें ये चाहिए था, आपने जो दिया ये, तो वो सॉरी भी बोलेगा आपको और अगेन आपको जवाब देगा कि अच्छा ठीक है आपको ऐसा चीता तो वो दे दिया। देन आप जब उस कोड की लाइंस को देखते हो तो आपको फटाफट से पता लग जाता है इवन डिप्लॉय करने से पहले कि हाँ मुझे यही चाहिए था इसको प्रॉब्लम को। तो मैं ही नहीं कहूँगा कि AI अभी मार्केट में नया वर्ड आया है इस चीज़ को डिफीट करने के लिए कि हर कोई AI बोल रहा है खुद को, वो सब फर्जी AI अपन बोल सकते हैं, उनका काम AI नहीं है, वो तो सिंपल सी एक तरह से उनका डेटा कलेक्शन है कि उनके पास काफ़ी सारा डेटा है उसके ऊपर ही वो लॉजिक्स लगाते हैं और आपको रिजल्ट आउटपुट दे रहे हैं। यस, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट जो अभी चल रहा है वो है जेनरेटिव AI, जो चैट GPT है, जो मिड जर्नी है अगर हम बात करें ग्राफिक्स के लिए, या वीडियोस ऐसे वीडियोस बनने लाइक आप किसी का फेस दो और वो एक्चुअल में उसी तरह के एक्सप्रेशन के साथ, तो ये जेनरेटिव AI है, वो लर्न कर रहे हैं और इवन ये जेनरेटिव AI भी आपस में ऐड हो रहे हैं। चैट GPT को मैंने ऐड कर दिया किसी ग्राफिक वाले जेनरेटिव AI पे, तो हमने कुछ बोला लिखा उसको चैट GPT ने समझा, चैट GPT के आउटकम को हमने दूसरे जेनरेटिव AI में डाला, तो वो शानदार रिजल्ट के साथ सामने आ रहा है। लाइक मैं हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे फोटोशॉप को कैसे बताना है कि मुझे ये इमेज बनाऊँ, बट मैं चैट GPT को बता सकता हूँ मेरी लैंग्वेज में कि यार मुझे ऐसा कुछ चाहिए और इस तरीके से, तो बताओ मैं फोटोशॉप में क्या डालूँ, तो फिर वो आपको रिजल्ट देगा। एंड जेनरेटिव AI इज़ वेरी गुड फॉर सिक्योरिटी, बिकॉज मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है करंट में, मैं उस पर ऐसा सोच रहा हूँ कि हैकर्स जो हैं वो इस तरीके से काम करते हैं, तू डाल डाल मैं पास पास, हम ये नहीं बोल सकते कि हम फुली सिक्योर्ड हैं। डेफिनेटली कभी ना कभी कोई चीज़ आएगी और आपको क्रैक कर सकती है। हम हमारे प्रोडक्ट के अलावा 90% ऐसे चीज़ें हैं जो थर्ड पार्टी की यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोडिंग की बात करें, कोडिंग के अंदर एड ऑन की बात करें, या डिपेंडेंसीज की बात करें, या हमने प्लेटफॉर्म ले रखा है विंडोज ले रखा है या लिनक्स ले रखा है, ये सब एक्चुअली थर्ड पार्टी तो है। उसके अंदर हमने क्रोम इंस्टॉल कर रखा है ऑफिस के लैपटॉप में, 50 चीज़ें इंस्टॉल्ड है जो हमको एक्सपायर्ड है, उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अब लेट से कि कल को कोई इशू आता है VLC मीडिया प्लेयर के अंदर और VLC मीडिया प्लेयर जिसने डाल रखा है वो सब उसके उसमें आ जाते हैं लपेटे में कि यार जितने भी यूजर्स हैं, तो VLC मीडिया पे मेरा कंट्रोल नहीं था, ना मेरे पास उसका कोड था, ना मैंने उसकी कभी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करी, बट ड्यू टू VLC मेरे 100 बंदों के लैपटॉप में वो डला हुआ था, तो मेरा यहाँ पे 100 बंदे हैक हो गए, फिर कहाँ है कि सिक्योरिटी। तो मैं AI को यूज़ कर रहा हूँ धीरे धीरे मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, जो मुझे ये बताए कि इस लैपटॉप में या इस यूज़र का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए था, बट कुछ एनमलिटीज मुझे दिख रही है, तो कहीं ना कहीं वो सस्पेक्टेड है, तो उसको मैं तुरंत बंद कर सकूँ और इन्वेस्टिगेशन रियल टाइम पे कर सकूँ, ये नहीं कि 4 दिन बाद उसके बारे में पता चल रहा है इंटरनेट से, 4 दिन में काफ़ी सारा डेटा एक्सफिल्टर हो जाएगा। तो जेनरेटिव AI पे मैं वर्क कर रहा हूँ एंड डेफिनेटली ये यूजफुल है, इसीलिए मैं वर्क कर रहा हूँ। नाइस, लेकिन एक एक चीज़ और है जो फियर ऑफ जॉब है AI के आते हुए, लोग काफ़ी यूट्यूब पे आप देखते होंगे काफ़ी ट्रेंडिंग वीडियोस चलते हैं, AI ने इतनी जॉब खाई उतनी जॉब खा गया, AI चैट GPT की वजह से इतनी डेवलपर्स की जॉब चली गई वगैरह वगैरह, तो क्या आप इसको नेगेटिव लेते हो और नेगेटिव है तो क्यों है और पॉजिटिव है तो क्यों है? ओके, तो ये दोनों ही है।
एक्चुअल में अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो रिप्लेस करेगी पुरानी चीज़ को। हम एसटीडीज नहीं देखते हैं जहाँ पे हमने 2 रुपये का फोन डाला और टेलीफोन यूज़ कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी जॉब चली गई। और इंसान को इतना फ्लेक्सिबल होना भी चाहिए कि वो मार्केट के ट्रेंड को देखता हुआ उसके हिसाब से ढल जाए कि अडॉप्ट उसको करें किस इजीली। चेंजेस। यस डेफिनेटली, हम नोकिया सैमसंग सैमसंग का एक एग्जांपल देख सकते हैं कि मार्केट के ट्रेंड को अगर देख लेते हैं तो नोकिया आज शायद एंड्रॉयड के साथ वापस अगेन नंबर वन पे रहता, बट जहाँ बिल्कुल सैमसंग जिस फील्ड में मोबाइल फील्ड में उसका जितना वर्चस्व नहीं था बिकॉज ऑफ एंड्रॉयड वो चला गया। तो प्रोज बिल्कुल एंड कॉन दोनों हैं। अब आप सैमसंग यूजर भी हो सकते हो और आप नोकिया भी हो सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मार्केट में कोई चीज़ है वो आपको क्या प्रॉफिट देगी उसको मत सोचो, बट क्या चीज़ चल रही है आप उसके साथ हो या नहीं वो इम्पोर्टेंट करता है। और मैं डेफिनेटली बोलूँगा जो भी चीज़ चल रहा हो उसके साथ चलो। कब भाई, कौन सी चीज़ जाके मार्केट में पिक्चर पे आ जाए नो आइडिया। जैसे कि AI है डेफिनेटली ये आने वाला है, पूरा आ चुका है, आने वाला नहीं आ चुका है। तो कुछ लोग थे जो ट्रेडिशनली नहीं यार ऐसा नहीं कर सकते, AI ये नहीं कर सकते, AI वो नहीं कर सकता, उनके मिसकंसेप्ट खत्म हो गए हैं। अब उनको डाउट होने लगा है, तो फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, जो चीज़ बना रहे हो ना उससे अच्छी चीज़ बनाओ इसको यूज करते हुए, बिल्कुल इसको यूज करते हुए, तो आप अहेड ऑफ टाइम रहोगे।